स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हे भगवान, अरे ये लोग रह कहाँ गए? रजनी, अब तक तो आ जाना चाहिए ना, कहाँ अटक गए ये लोग? हाँ, इन लोग की ऑडिशन कुछ ज्यादा ही खींच गई ना। सलीम का रोल किसको मिलेगा इशिका बुआ? मिठी, मुझे कैसे पता? अच्छा गेस करते हैं कि ये सलीम का रोल किसको मिलेगा, इंदर भैया, इलेश भैया या पापा? ओहो, अपने पापा को भूल जा, समझी? और वैसे भी भला इस उम्र में कौन देगा उन्हें सलीम का रोल? हंस क्यों रही हो? क्या खराबी है आलोक में? इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहा था सलीम की, डायलॉग्स भी अच्छे बोल रहा था, उर्दू भी कितनी साफ थी। हेलो राधा। बड़ी भाभी, आप ना हमेशा अपने देवर के सपोर्ट में झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं। हाँ। उन्हें कोई नहीं देने वाला सलीम का रोल। हाँ। अरे? और वैसे भी ये रोल करके वो मोहल्ले में अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं। माँ, मुझे लगता है ये रोल इंदर भैया को मिलेगा, सबसे लाउड एक्टिंग वो ही कर रहे थे। शुभ शुभ बोलो, अगर सचमुच सलीम का रोल इंदर को मिल गया तो मेरी तो जान पे बनाएगी। नहीं नहीं, और इलेश को तो ये रोल मिलने से रहा, क्योंकि उसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती। बाबूजी बड़े सयाने निकले, अकबर का रोल ले लिया। पर बड़ी माँ एक बात बताइए, दादाजी को ये अकबर का रोल इतनी आसानी से मिला कैसे? अरे अपने करीम चाचा है ना, वो ये रोल कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? पर नाना जी ने उनसे कहा कि ये रोल मनहूस है, जो भी करेगा कभी खुश नहीं होगा। बेचारे डर गए और नाना जी का रोल मिल गया। सिर्फ बाबूजी ये काम कर सकते हैं। हाँ, पर भाभी वो लोग रह कहाँ गए? इसी तो देखना, सलीम का रोल तो इंदर भैया को ही मिलेगा। हे भगवान, इलेश को ये रोल दिला देना। इंदर बहुत लाउड एक्टिंग करते हैं, इसलिए सलीम का रोल इलेश को ही मिलेगा। भगवान इंदर को ये रोल दिला देना, मैं 21 रुपए चढ़ाऊंगी। पापा और चाची आ गए। अरे अरे, कौन सा रोल मिला? अरे बताओ ना, चुप क्यों खड़े हो? किसको मिला सलीम का रोल? भैया को। अच्छा? नहीं मिला। तो इसका मतलब इलेश को? सच? नहीं मिला। फिर किसको मिला? तुम देखना अनारकली, पूरा हिंदुस्तान देखेगा हमारी मोहब्बत का रंग, हमारी वफा की ताब। इसका मतलब कि सलीम का रोल आपको मिला? देखा, मैंने कहा था ना। अब बोलो बोलो बोलो, किसको कुछ कहना है मेरे देवर के खिलाफ? अरे भाभी, ऑडिशन में आपके देवर ने कमाल कर दिया। हाँ, अरे ऑडिशन के बाद सब लोग खड़े होकर तालियां मार रहे थे। वैसे भी मुझे पता था इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम ये काम भी नहीं कर पाए। अब आपकी रिहर्सल में ना मैं आपके लिए अनारकली बनूंगी। चुप कर, होमवर्क कौन करेगा? ओए तू चुप कर, क्यों डांट रहा मेरी बच्ची को? तेरा बड़ा मुंह लटका हुआ है। तूने इलेश के साथ मिलकर बड़ी कोशिश की ना मुझे अपने रास्ते से हटाने की, हैं? और तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे हटाने के रास्ते से, है ना? लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाओ जाके ट्राई तो करो फिर से, हो सकता है तुम लोगों को कोई साइड रोल मिल जाए, हैं? हाँ पापा, पता है मैंने अपनी क्लास में सबको बता दिया है, अब कम से कम कोई तो रोल ले लीजिए प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।